नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट कोचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंकर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, तो हम लोग कंपनी का और भी देखेंगे, कंपनी का क्या काम काज है, क्या करती है। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज कवर करेंगे। लास्ट पिछले जो है कुछ साल से इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, सेल्स ग्रोथ कैसा है, डेप कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, इस तरह के सारे की इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेटर्स है, KPIs है, वो देखेंगे। और फाइनली तीसरे चरण में हम लोग इस स्टॉक की जो है टेक्निकल्स के लेवल पर बात करेंगे, तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से लेवल बेस्ट है जहाँ पे स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, एज वेल एज कहाँ पे इस स्टॉक का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का क्या कामकाज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉनकॉर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस कंपनी के तीन इंपॉर्टेंट कोर बिजनेस है, जिसमें से पहला बिजनेस है कार्गो कैरियर, दूसरा है टर्मिनल ऑपरेटर एंड तीसरा है वेयरहाउस ऑपरेटर एंड MMLP ऑपरेशन। दोस्तों, कंपनी की अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो दिस कंपनी इज अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये गवर्नमेंट कंपनी है। एज वेल एज अगर हम लोग बात करें, तो ये कंपनी की स्थापना हुई थी मार्च 1988 में, और यहाँ पे जो है कंपनी ने जो है काम का स्टार्ट किया था नवंबर 1989 में बाय टेकिंग ओवर 7 ICD यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपोट्स फ्रॉम इंडियन रेलवे। तो हम लोग एक इस तरह से भी इस कंपनी को देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे का भी ये जो है एक सर्व पार्ट हम लोग यहाँ पे इस कंपनी को कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कॉनकॉर के फाइनेंशियल्स के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप देखिए, तो मार्केट कैप लगभग निकल के आ रहा है 36,759 करोड़। तो एक लार्ज कैप तरह की कंपनी नजर आ रही है। अगर हम लोग कंपनी का करंट प्राइस देखें, तो वो निकल के आ रहा है 603 रुपीज, और अगर हम लोग हाई देखें तो जो लगभग है 754, और लो की बात करें तो है 554 रुपीज। अगर हम लोग स्टॉक के पी की बात करें, तो 34.9 पे चल रहा है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते, तो इंडस्ट्री पी से जो है महंगे दाम पे करंटली कंपनी कामकाज कर रही है। अगर हम लोग कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें, तो 17.3 है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड देखें, तो लगभग 1% के आसपास ये कंपनी डिविडेंड देती है। अगर हम लोग कंपनी का डेप देखें, तो कंपनी का डेप लगभग निकल के आ रहा है 735 करोड़। तो इसका मतलब है जितने भी इसकी मार्केट कैप है, उसका लगभग 2% इस कंपनी का जो है उसके ऊपर डेप्थ है। अगर हम लोग कंपनी के प्लेज देखें, तो कोई भी कंपनी का स्टॉक प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है। अगर हम लोग पिछले 10 साल का यहाँ पे रिटर्न देखें, तो लगभग 11.2% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व की बात करें, तो कंपनी के पास 10,000 करोड़ का दोस्तों रिजर्व है। तो रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी के पिछले 10-11 साल के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में। सारे के सारे आंकड़े यहाँ पे करोड़ में है। मार्च 2011 से लेके यहाँ पे मार्च 2021 तक का डेटा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग दोस्तों सेल्स की बात करें, तो आप यहाँ पे बस आंकड़ों पे ध्यान दें, 3873 4064 4394 5231। इसका मतलब है हर साल धीरे धीरे कंपनी अपना जो है सेल्स यहाँ पे ग्रोथ कर रही है, तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी ध्यान दें, तो धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूँ, जो मुझे एक अच्छा पॉइंट नहीं लगा, तो यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। आप मार्च 2016 से देखोगे तो 6 6 7 46 43 62, तो कंपनी का यहाँ पे जो है डेप्थ के ऊपर इंटरेस्ट कंपनी ज्यादा पे आउट कर रही है। तो ये आपको पॉइंट जो है यहाँ पे नजर में रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है कंसिस्टेंट रहा था 2015 तक, उसके बाद फिर से गिरा, उसके बाद फिर से कंपनी ने संभलने का काम किया। क्लियरली यहाँ पे हम लोग इन आंकड़ों पे ध्यान दें, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो कोरोना का इम्पैक्ट इन आंकड़ों पे हम लोग देख सकते हैं, फिर से कंपनी यहाँ पे रिकवरिंग फेज में नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, करंट प्राइस स्टॉक की निकल के रही 603 रुपए पे। ये जो आप यहाँ पे रेड डॉट लाइन देख रहे हो, ये करंट प्राइस दिखाता है। अगर हम लोग कंपनी का रिसेंट हाई से देखें, तो कितना स्टॉक टूट चुका है, तो लगभग हम लोग देख सकते हैं अराउंड 148 रुपीज, यानी कि 20% स्टॉक में गिरावट हुई है इसके रिसेंट हाई पॉइंट से। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर पॉइंट देखें, तो जो आप ये पर्टिकुलर जो है स्पेस देख पा रहे हो, तो जब भी स्टॉक इस रेंज में पहुंचता है, जिसका निचला लेवल निकल के आता है 570 रुपए और ऊपर का लेवल लगभग निकल के आता है अराउंड 600 रुपए, तो जब भी स्टॉक 570 से लेके
600 रुपए इसके बीच में जाता है तो वहां से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, स्टॉक बाउंस बैक आता है। और ये कब कब देखा हमने, ये बहुत बार देखा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग नवंबर मंथ पूरा, दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी के आगे भी ये स्टॉक आया था, और रिसेंटली ये मई के आसपास भी यहाँ पे आया था। तो इसी लेवल के आसपास पिछले अराउंड अगर हम लोग देखें तो 6-7 महीने से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो आपको इस लेवल पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 570 से 600 रुपए एक बढ़िया एंट्री पॉइंट है अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, मैं आपको दूसरा लेवल बता देता हूँ। अगर ये स्टॉक आपको 550 के नीचे मिलता है, जो लगभग ये रेंज निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे एज अ कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ निवेशक आप निवेश कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव टाइप के निवेशक हो तो 570 से 600 रुपए के बीच में आप निवेश कर सकते हो, या फिर मैं आपको 550 के आसपास निवेश करने की सलाह दूंगा अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के निवेशक हो। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी, अगर आपको इस टाइप के स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में रखने हैं तो आप रख सकते हो, लेकिन आपका नजरिया लंबा होना चाहिए एज वेल एज आपके पूरे पोर्टफोलियो का। अराउंड ये स्टॉक मैक्सिमम 5% to 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये पॉइंट जरूर आप ध्यान में दीजिए और उसके बाद ही स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी का रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग इस स्टॉक को रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो लगभग ये जो जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है, लगभग ऊपर की बात करें तो 710 रुपए से लेके 740 रुपए, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश हो, शॉर्ट टर्म टाइप के निवेशक हो, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकलना है, तो आपको मैं लेवल बता देता हूँ अराउंड 709 रुपए से लेके 739 रुपीज, ये एग्जैक्ट लेवल निकल गया है जहाँ पे आप इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म टाइप से एंट्री किए तो यहाँ पे आप इस स्टॉक से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म निवेशक। तो दोस्तों ये था टेक्निकल्स के बारे में पूरा डिटेल्स। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, अराउंड यहाँ पे मैं लेवल बताया हूँ 570 रुपए। अगर आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, मैं आपको 550 रुपए दूसरी लेवल है वो बता देता हूँ। इसके आसपास आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 570 रुपए से लेके जो इसका लेवल है 600 रुपए, करंट लेवल जो है इसका 3 रुपए ऊपर चल रहा है, तो इस बीच में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उठाने की स्टार्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, आपका पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचिए। एज वेल एज इसी टाइप के कुछ दूसरे स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।